फाइनली त्रिलोकी मंदिर के पास पहुंच गए हैं। वीडियो को ज्यादा लंबा खींचने का कोई मकसद बनता ही नहीं। पीछे देखें तो पीछे लाइट वाइट जलने के बाद मंदिर और ही सुंदर दिख रहा है। और यहाँ पे देख सकते हैं चार, और इधर देखिए गार्डन बना हुआ है। राम मंदिर, राम भगवान को भी दिखाते हैं। वेलकम टू अनदर न्यू ब्लॉग। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज त्रिलोकी मंदिर ले चलते हैं और मंदिर दिखाते हैं। नियर बस स्टैंड के पास है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लोग फाइनली त्रिलोकी मंदिर के पास पहुंच गए हैं और ये बस स्टैंड के पास है जहाँ पे महामाया मंदिर है ना, बस उससे थोड़ा सा पहले पड़ता है। तो देख सकते हैं यही पीछे मंदिर है। तो चलिए पूरा मंदिर का भ्रमण करवाते हैं आप लोगों को, तो वीडियो पे बने रहिएगा। बट यहाँ सामने नाम हम नहीं लिखा हुआ है। मंदिर के बाहर में भी जूता चप्पल खोल सकते हैं, बट हम लोग अंदर में आके खोले यहाँ पे, बाहर से कोई लेके भाग गया तो। और चलिए मिलवाते हैं, ये पीछे गणेश जी हैं उनसे मिलवाते हैं। यही गणेश जी हैं और इधर भी जाने का है, तो चलिए चलते हैं। पहले ऊपर चलते हैं, इधर पहले चलते हैं, फिर उसके बाद इधर चलेंगे। और उसके इधर जो है वो श्री राम भगवान का है। तो आप देख सकते हैं मंदिर बहुत ही सुंदर है, आपको दिखाई नहीं दे रहा, हम ही दिखाई दे रहे होंगे। चलिए दिखाते हैं मंदिर को। ये जो सामने दिखाई दे रहा मंदिर, ये श्री राम भगवान का है। और यहाँ पे देखिए भोलेनाथ का विशाल मूर्ति है और नीचे में शिवलिंग है और साथ में गणेश जी भी हैं, ब्रह्मा जी भी हैं और विष्णु जी दिखाई नहीं दे रहे, नंदी महाराज भी हैं। यही देखिए भोलेनाथ का मूर्ति, ये बस स्टैंड के पास है। आप लोग जब भी रायपुर आएँ तो यहाँ पे एक बार ज़रूर विजिट करें। दोस्तों देखिए नंदी महाराज, और वो जो पीछे दिखाई दे रहा है उधर, यहाँ से उधर जो पीछे दिखाई दे रहा है वो बस स्टैंड है। वो जो सामने दिखाई दे रहा है उधर वो बस स्टैंड। आप लोग महादेव के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सब्सक्राइब ना करना भूलिएगा। और देखिए शाम का टाइम है, लगभग 5:30-6 बजे आए हुए हैं। और ये देख सकते हैं नंदी महाराज और ये भोले बाबा के, यहाँ पे जितना भी मंदिर है उसके अपोजिट में ही रहती हैं। और लाइटिंग वाइटिंग देख रहे हैं सारा जल गई, बहुत ही सुंदर दिख रहा है सब। लाइट वाइट जलने के बाद मंदिर और ही सुंदर दिख रहा है। और यहाँ पे देख सकते हैं चारों तरफ से लाइट पड़ रही है, वो तो बाहर की है, ये सब अंदर में हेलोजिन लगाए गए हैं, बहुत ही सुंदर दिख रहा है। और नीलकंठ महाराज जी को आप लोग देख सकते हैं। और इधर देखिए गार्डन बना हुआ है, पार्क जो अच्छा दिख रहा है, भक्त लोग आके यहाँ बैठते हैं। और यहाँ पे देखिए ये सामने जो है राम मंदिर है, तो चलिए राम मंदिर, राम भगवान को भी दिखाते हैं। देखते हैं सामने पार्क है, यहाँ पे भक्त लोग ज़्यादातर जब आते हैं तो यहाँ बैठे रहते हैं। और यहाँ शायद इधर कुछ है, पीछे देखें तो पीछे एक बड़ा सा तालाब है जिसमें कमल फूल है। और यहाँ बोले थे श्री राम का मंदिर है, बट यहाँ हनुमान जी का मंदिर है। यहाँ पे लिखा हुआ था जय श्री राम, जिसके वजह से हम बोल रहे थे, बट ये हनुमान जी का मंदिर है, बहुत ही सुंदर मंदिर है। चलिए दिखाते हैं आप लोगों को। तो देख सकते हैं ये अपने बजरंगबली बैठे हुए हैं यहाँ पे, इनकी भी बहुत विशाल प्रतिमा है। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा खींचने का कोई मकसद बनता ही नहीं है, तो वीडियो को इतना ही छोटा रखते हैं कि जितना आप लोगों को भी अच्छा लगे। ये पीछे देख सकते हैं, इसी को दिखाने के लिए हैं, ये देख सकते हैं तालाब, इसमें कमल का फूल लगा हुआ है चारों तरफ, देख सकते हैं।
उधर से जा सकते हैं, बट आए नहीं हम लोग। रात में हम आए जिसके वजह से वीडियो फिनिश नहीं कर पाए। तो आप लोग बताइएगा त्रिलोकी मंदिर आप लोगों को कैसा लगा, और वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।